नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जेवी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अंग्रेजी के 20 वर्ड मीनिंग जिनको हम रोज़ाना प्रयोग करते हैं का भाग दो है, तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में बेल आइकन उसको प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं बोले हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला देखते हैं अवॉइड। अवॉइड माने होता है दृढ़ता से पालन करना, अवॉइड रहना या ठहरना, अवॉइड रहना या ठहरना, ठीक है। अकॉर्ड जो होता है स्वीकृति देना, ठीक है। और अकाउंट, अकाउंट होता है उत्तरदायी। अप्रूव होता है मंजूर करना या स्वीकृति प्रदान करना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अप्रूव होता है मंजूर करना या स्वीकृति प्रदान करना। अडेप्ट होता है, ठीक है, अडेप्ट अनुकूल बनाना। अलाइट होता है सवारी पर से उतरना, अलाइट होता है सवारी पर से उतरना। अलाइट नीचे उतरना। अलॉट होता है वितरण करना या आवंटन प्रदान करना, ठीक है। अलॉट आप समझते होंगे, अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, उस वो होता है अलॉट होता है वितरण करना या आवंटन करना। आंसर उत्तर देना और आंसर उत्तर देना। अपील जो होती है, ठीक है, अपील करना, निचली अदालत के फैसले पर पुनर्विचार के लिए प्रार्थना करना। अपील अनुनय विनय करना, अपील ध्यान आकर्षित करना, ठीक है। अप्लाई आवेदन करना, अप्लाई आवेदन करना। आर्ग्यू तर्क बहस करना, बहुत ही अच्छा वर्ड मीनिंग। आर्ग्यू होता है तर्क या बहस करना, ठीक है। आस्क पूछताछ करना, आस्क मीन पूछताछ करना, और आस्क मीन होता है मांगना या याचना करना। एट्रीब्यूट होता है श्रेय देना, एट्रीब्यूट श्रेय देना। अबाउंड होता है अधिकता में होना, अबाउंड अधिकता में होना। एब्सोल्व होता है पाप दोष से मुक्त होना, ठीक है। एब्सोल्व पाप दोष से मुक्त करना। एल्यूड होता है संकेत कर कहना, ठीक है, संकेत कर कहना, एल्यूड। और एडमोनिस होता है चेतावनी देना या डांटना। अडेर होता है चिपकना, किसी मत पर दृढ़ रहना, अडेर, ठीक है। और आस्केंस होता है सहमत होना, आस्केंस होता है सहमत होना। और एक्रू, एक्रू होता है उपार्जन करना या वृद्धि होना, एक्रू उपार्जित होना या बढ़ना। एश्योर, एश्योर होता है विश्वास दिलाना एक पर्सन के लिए। एश्योर बीमा या सुरक्षित करना। एजेंट सहमत होना, एसेंट होता है सहमत होना। एवेल, एवेल होता है उपयोग करना, फायदा उठाना, लाभदायक होना। एस्क्राइब होता है जिक्र करना या उल्लेख करना। एस्पायर आकांक्षा करना, एस्पायर होता है आकांक्षा करना। और अटेन माने पहुंचना, अटेन माने पहुंचना। अपीयर होता है हाजिर या उपस्थित होना। और अरेस्ट होता है गिरफ्तार करना या बंदी बनाना। एकस्टम होता है आदि होना या अभ्यस्त होना। और एकम्पनी होता है स्वर संगत करना या सुर मिलाना। और एक्ट होता है प्रभावित करना या प्रभाव डालना। और लास्ट है अकम्पनी होता है साथ होना या संगत होना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, 20 वर्ड जो डेली यूज करते हैं। तो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल जेबी स्टडी पॉइंट को जो सब्सक्राइब कर देना और उसके पास में जो घंटी का निशान है उसको भी दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।